आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हम मुकेश कुमार। हमारी मौजूदगी इस समय पवई विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा ये मित्तुपुर है। यहाँ के जो प्रधान है, आरती नाम है उनका, उनके हस्बैंड का नाम आशीष है। और जो है यहाँ देखिए, ये पात्र हैं क्या, किस तरह के जो वर्तमान सरकार है, किस लोगों को कॉलोनी दे रहा है, कैसे लोगों को रहने का आवास दे रहा है, जहाँ पर ये पीड़ित परेशान चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं वो लेकर इस झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में इस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। बच्चों के साथ अपने जीवन यापन के साथ साथ अपने व्यवसायों को दिखा रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार, उनसे बताना चाहूँगा कि आप जो ये कॉलोनी दे रहे हैं किन लोगों के लिए दे रहे हैं। अगर ये गरीब है, ये पीड़ित है, इस महिला को अगर ये महिला कहती है कि हमको कॉलोनी चाहिए, हमको भी रहने के लिए आवास दिया जाए, लेकिन इस महिला से पैसा मांगा जाता है कि जब तक 20,000-10,000 रुपया नहीं देंगी तब तक आपको कॉलोनी नहीं मिलेगा, और वही कॉलोनी पा रहा है जो 10,000-20,000 रुपया दे रहा है। बताइए, जो पीड़ित अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रही है, वो बच्चा, वो जो है माँ और वो पीड़ित औरत कहाँ से लाके 20,000 रुपया देगी और तब उसको रहने का आवास दिया जाएगा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बताइए, अगर इस तरह, जिस तरह ये झोपड़पट्टी में रहती है महिला, अगर इस जो हम, मैं तो कहता हूँ कि अगर तेज़ बारिश हो या तेज़ तूफान आ जाए तो साथ झोपड़पट्टी गिर जाए और इन लोगों के साथ हादसा भी हो सकती है। तो इस जो है परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान सरकार क्या कर रही है, और ऐसे लोगों को अगर प्रधान से कहा जाता है कि कॉलोनी दीजिए, लेकिन वो भ्रष्टाचार को बढ़ाते जा रहे हैं, प्रतिदिन ऐसे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आइए, ये औरत है, ये औरत से जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको कॉलोनी क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम बाबू? सिमूरत। तुम्हारा क्या नाम है? सिमूरत। सिमूरत कहाँ के रहने वाले हैं? मित्तुपुर का। मित्तुपुर का। ये आप लोग इस तरह झोपड़पट्टी में रहते हैं, प्रधान से कॉलोनी वगैरह के लिए बात किए हैं कि नहीं? आप लोग आते हैं, 20,000 रुपया मांगते हैं हमें सबसे। 20,000 रुपया मांगते हैं किस लिए? कॉलोनी देने के लिए? और कोई व्यवस्था? और व्यवस्था नहीं है हमारे। सरकारी सुविधा कुछ नहीं है? कहाँ? राशन कार्ड अभी नहीं बना हमारा सबका। कितने दिन से यहाँ रहते हैं आप लोग? बहुत साल से, 10-10 साल से रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं। अच्छा, तो प्रधान अगर कॉलोनी के लिए आप लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? पैसे मांगते हैं। कितना पैसा? 20,000 मांगते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रीना। हाँ, रीना। कहाँ के रहने वाले? आवास मिला है आपको? नहीं। क्या बोले प्रधान? 20,000 रुपये तो कॉलोनी देवे। अच्छा, ग्राम प्रधान के क्या नाम है आपका? उनका क्या नाम है? रामधानी। रामधानी। 20,000 रुपये मांग रहे थे आपसे? हाँ। किस चीज़ के लिए पैसा मांग रहे थे? कॉलोनी दी था। अच्छा, वो कह रहे थे आप 20,000 रुपये दीजिए तब कॉलोनी दी जाए। हाँ, आशीष। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रीना। कहाँ की रहने वाली? मित्तुपुर। ये बताइए, आपको आवास मिला है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं मिला? आपने प्रधान से कहा नहीं? कह रहे तो कहा 20,000 रुपया तुम्हें कॉलोनी दे। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? राम आशीष। आरती। आरती। हम्म। तो 20,000 रुपये आपसे मांग रहे थे? हाँ। तो आपने पैसा उनको दिया कि नहीं? नहीं। अच्छा, पैसा आपने नहीं दिया तो नहीं, आवास भी नहीं दिया? नहीं, हमारे पैसा नहीं। तो ये बताइए, आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? हमें कॉलोनी जवन है क्या, हमें कॉलोनी रह ठिकान ना आए रहने के लिए जगह नहीं है। ग्राम प्रधान 20,000 रुपये लेंगे तब जाके आवास देंगे। हाँ। और राशन पाते कि नहीं आप? राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं। शौचालय मिला है? नहीं। राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं, कहिए से नहीं है। कभी बना नहीं शौचालय आवास वगैरह? नहीं। के अंतर्गत ग्राम सभा, उसी में जहाँ दोस्तों हमारी फिर से मौजूदगी उसी ग्राम सभा में है, जिस ग्राम सभा को प्रधान आरती देवी देख रही हैं, उनके हस्बैंड जो आशीष जी हैं वो देख रहे हैं। और उसी ग्राम सभा में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये झोपड़पट्टी, कितनी झोपड़पट्टी देखने को मिलेगी इस ग्राम सभा में। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस तरह अगर झोपड़पट्टी दिखते रहेगी कि ये जो कॉलोनी आती है तो ये आवास प्रधान के द्वारा किसको दिया जाता है। शायद हमको लगता है कि ये माहौल देखने के बाद उन्हीं लोगों को कॉलोनी दी जाती है
जिसके पास पैसा होता है, जो पैसा 20,000 रुपये उनको दे सके। यहाँ ये आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर बार बार कि हम लोगों से 20,000 रुपये का मांग किया जाता है कि 20,000 रुपये आप देंगे तभी आपको कॉलोनी मिलेगी और तभी आपको सरकारी सुविधा दिया जाएगा, जहाँ पर वर्तमान सरकार बार बार कह रही है कि ये जो सरकारी सुविधा दी जाती है गरीब व्यक्तियों को दिया जाता है जो पीड़ित हो। अब मैं दिखाना चाहूँगा उन सरकार को कि इससे गरीब व्यक्ति कहाँ मिलेंगे। और ऐसे जो पीड़ित हैं, लाचार हैं, ये माँ है, इस बच्चे की माँ है जो बोल नहीं पाती है, जो अपना गुहार भी नहीं लगा सकती है प्रधान से और यहाँ के एडीओ वीडियो या डीएम डीएम महोदय को कैसे अपना गुहार लगा सकती है। बच्चा है जो बता रहा है कि सर हम लोगों को जब बार बार हम लोग कहते हैं प्रधान से तो प्रधान कहते हैं कि हमको 20,000 रुपये चले मिलेगा तभी आपको सरकारी सुविधा मिल पाएगी, शौचालय नहीं है, ये राशन नहीं है और कैसे इन लोगों का गुजर बसर होता है। अभी देखिए समय तो 9 नहीं बजा, लगभग में 9 बज गया शायद, लेकिन ये जो है इनके जो पीड़ित है महिला है इनके पति मजदूरी के लिए निकल गए हैं, मजदूरी दिन भर मजदूरी करेंगे तब जाके इन लोगों के पास खाने का पैसा आएगा और उससे ये अनाज इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों का यापन कैसे कर पाएंगे, जीवन यापन इन लोगों का कैसे होगा, शिक्षा कैसे मिल पाएगी, जहाँ सरकार बार बार लाचारियों को अभ्युदय दे रही है। किस तरह आप लोग इस तरह का भ्रष्टाचार को जो बढ़ा रहे हैं प्रधान, यहाँ के सेक्रेटरी जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे होगा ये गांव, ये ग्राम सभा जहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ और उत्तेजित कर रहा हूँ कि ये बताइए ये झोपड़पट्टी इसकी कैसे हटेगी, जब इसके पास 20,000 रुपये होगा तब तो इसकी झोपड़पट्टी हटेगी। अगर झोपड़पट्टी हटाने के लिए 20,000 रुपये मांगा जा रहा है तो आप जो वर्तमान सरकार इस तरह बैठी है जो बार बार संकल्प यात्रा लगाई जा रही है, संकल्प यात्रा किया जा रहा है, उस संकल्प यात्रा में इन लाचारों से इनकी समस्या क्यों नहीं पूछी जा रही है। मैं आपको इस तरह की खबरें दिखाता रहूँगा, केमास न्यूज़ के साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है माता जी आपका? आपके कॉलोनी आए थे तो कॉलोनी का कितना पैसा दी थी आप प्रधान को? 10,000 रुपया। और मजदूरी वगैरह आ गया है आपका? ना है, मजदूरी ना है। तो 10,000 रुपया देने के बाद भी प्रधान पैसा मांग रहे हैं आपसे? ना, 20,000 मांगा था, 10,000 दे रहे हैं। अच्छा, 10,000 रुपया दी थी। हाँ। क्या करने के लिए उनको 10,000 रुपया दी थी? अरे मांगा था, कहा था आप कॉलोनी आए पहले। कॉलोनी दिए हैं तो उसका पैसा आपसे लिए हैं। माता जी, सरकार का कहना है कि जो गरीब के लिए हम कॉलोनी दे रहे हैं उसको प्रताड़ित ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, उससे पैसा ना लिया जाए, तो फिर कहाँ पैसा देती हैं? अच्छा, क्या नाम हो प्रधान के? प्रधान गौतम, राजू, राजू नाम है के। राजू नाम, आरती गौतम बताओ। आरती गौतम? हाँ, राजू। अच्छा, उनकी वाइफ प्रधान है ना? कितना लिए थे कॉलोनी का पैसा आपसे? 20,000 रुपया। कह रहे हैं कि आप खाते में दिया था एक बार? नहीं, तो दूसरे खाते में भेजवाए, ये फेकू गुप्ता है हमारे यहाँ के। अच्छा, उन्हों प्रधान लड़ा रहे हैं, पोटेदार हैं, उनके खाते में 20,000 रुपया भेजे थे। उसके बाद 40,000 आ पहले, तो उन्होंने 40,000 उनके खाते में भेजे, उसके बाद उनके मोमेंट 20,000 रुपया फेकू गुप्ता अपने हाथ से प्रधान जी के लिए। अच्छा, तो कॉलोनी आपकी बन के तैयार हो गई? हमारी कॉलोनी बन के। अच्छा, तो कितना आया था कॉलोनी का पैसा टोटल? कॉलोनी का पैसा आया था 1,30,000। तो क्या कह के लिए थे आपसे पैसा? वो हमसे बोले कि जो है कि 20,000 रुपया आप हमको दीजिए, आपको जो है कि लैटरिन मिलेगा, आपका पूरा मजदूरी 18,000 कुछ उसका मजदूरी आपका आ जाएगा। हाँ, हम तो चलिए भाई, तो मजदूरी भी नहीं आया ना तो लैटरिन बनी? मजदूरी भी नहीं आया ना लैटरिन भी मिला। 20,000 रुपया।